केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पोटाश घोटाले में केंद्र सरकार को 52 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाने के आरोप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत समेत 15 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर विभिन्न राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। सीबीआई के आला अधिकारी के मुताबिक इस मामले में पहले एक आरंभिक जांच का मामला दर्ज किया गया था। इस आरंभिक जांच के मामले में तथ्य पाए जाने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले सप्ताह विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत और उनकी कंपनी अनुपम कृष जोधपुर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इस एफआईआर में सराफ इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, उसके निदेशक प्रवीण सराफ, शिवम केमिकल्स के दिनेश चंद्र अग्रवाल, कैलाशपति केमिकल्स एंड मिनरल्स के कैलाशपुरी गोस्वामी, संदीप सप्लायर्स के शांतिलाल माड़ी, कृष्णा एग्रो एजेंसी के सुमेरपुरी गोस्वामी, जय भवानी रोड लाइसेंस ट्रांसपोर्ट के पार्टनर विजय सिंह गोहिल, स्वास्तिक शिपिंग सर्विसेज के ब्रजेश कुमार एंड ब्रदर्स, धौलपुर के अशोक बाबूलाल अग्रवाल, लक्ष्मी ट्रेडिंग के कंपनी अमृता लाल बंदी, वडोदरा की कुसुम ट्रेडर्स के नितिन कुमार शाह आदि के नाम भी शामिल हैं। सीबीआई का दावा कि भारत सरकार ने पोटाश के भारत से बाहर विदेशों में आपूर्ति किए जाने पर पाबंदी लगा रखी है और केवल भारत सरकार की अनुमति से ही इसे बाहर भेजा जा सकता है। सीबीआई के आरोप के मुताबिक आरोपियों ने पोटाश को औद्योगिक नमक की आड़ में विदेश भेजा और ज्यादा पैसों की वसूली की, जबकि भारत सरकार इसकी बिक्री पर भारत में बेचने को लेकर छूट ली जाती है। आरोपियों ने इसे लेन देन को कवर करने के लिए कोलकाता, राजस्थान में डीलरों के माध्यम से फेल्ड स्पर पाउडर, औद्योगिक नमक की फर्जी खरीद को कथित तौर पर दिखाया। ये भी आरोप है कि आरोपियों ने 2007 से 2009 के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स एंड मैसेज इंडियन पोटाश लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा। इसके चलते केंद्र को 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी का नुकसान हुआ। सीबीआई ने आरंभिक जांच के बाद इस मामले में नियमित मुकदमा दर्ज कर 15 स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बरामद हुए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच का काम जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अशोक गहलोत के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ने पर सियासत भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने तो उल्टा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स प्रमुखों से 13 जून को मिलने का टाइम मांगा था। 15 जून को मुकदमा दर्ज हो गया, 17 जून को रेड हो गई। क्या अप्रोच है, ये समझ से परे है। सियासी संकट के समय भी ईडी की रेड हुई थी। मेरे भाई पिछले 40 से 45 साल से अपना काम कर रहे हैं, हमारे परिवार में कभी सिस्टम रहा नहीं। मैंने राजनीति में इतना इन्वॉल्वमेंट रखा कि परिवार में शादी होती थी तो भी एक वर्कर की तरह जाता हूँ। गहलोत दिल्ली में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, मैं राहुल गांधी से ईडी से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होता हूँ, जिसका बदला मेरे भाई से क्यों लिया जा रहा है। उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है। ये मेरे समझ से परे है कि पहले ईडी और अब सीबीआई उनके यहाँ पहुँच गई। इसे आम जनता लाइक नहीं करती है। जितने ज़्यादा लोगों को तंग करेंगे उतना ज़्यादा बैकलैश इनके लिए होगा। सीएम ने कहा, पीएम मोदी के भाई को कोई नहीं जानता, उसी तरह मेरे भाई को नहीं जानते थे। परिवार के सदस्यों का क्या कसूर है? कोई राजनीति में भाग ले रहा है तो उसके परिवार पर सरकार का हमला दबाव उचित नहीं कहा जा सकता। इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। मैं आज आया हूँ, संडे को दिल्ली जाऊँगा, मंडे को वापस मूवमेंट में भाग लूँगा। आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अत्याचार कर रहे हो। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है, आप 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं ले सकते, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई? वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।